कि हम लोग जो बार बार दो बात कह रहे हैं, एक तो हम हर उस इंस्टीट्यूशन की तरफ देखना चाह रहे हैं और उसके दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं कि ठीक हो जाए जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रहा है। अरे साहब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, आप मानने को क्यों नहीं तैयार, आप क्यों किसी का दरवाजा खटखटाने को तैयार, नहीं काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के भीतर में, तो आप क्यों बार बार सोच रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है आपके हक में बात कह देगा। ये बिजनेस मॉडल है इस देश के भीतर का। दूसरी स्थिति, अब आप बोलिए डेमोक्रेसी तो है, नहीं है डेमोक्रेसी। हम आपको बोल रहे हैं दूसरी परिस्थिति से आप कभी सोचना शुरू कीजिए। आप किससे गुहार लगा रहे हैं कि शहरी नक्सलाइट्स को पकड़ लिया गया, आप किसका दरवाजा खटखटा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि जनाब ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चार जस्टिस निकलकर बाहर क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का देव है, आप क्या करें। अब यहाँ पर आए कोई लड़का हमारे पास आया, बोला जो चाहते हैं कि उनके भाई की हत्या हो गई है, सीबीआई जांच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ सीबीआई जांच लेकर। सीबीआई एक तरफ डायरेक्टर है विष्णु वर्मा, दूसरी तरफ है स्पेशल डायरेक्टर विष्णु अस्थाना। अस्थाना और वर्मा दोनों के फोन हमारे पास आए, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बता रहे हैं कि दोनों ही कितने करप्ट हैं या कितने दागदार हैं। वहां पर क्या करो, ये सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन सीआईसी सुना जाए ताली वाली बजाएंगे। सीआईसी अर्शालू साहब है डायरेक्टर, एक कानून बना राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो साहब ने फोन किया कि गवर्नमेंट ने ये पास किया है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है आप जब सूचना मांगेंगे तो सूचना दिए नहीं और इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया और ऐसे ऐसे करके किया गया। हम लोग कोई स्टोरी लिखा भी, कोई दिक्कत नहीं लिखी, स्टोरी लिखा दी, बड़े खुश हुए, बोले अरे आपको किसी ने रोका नहीं क्या? हम बोले आपने किसी से इसके पहले प्रयास किया था कि दिखाए? बोले कहते रहते थे, उन्होंने स्वयं तय कर लिया था कि शायद जब जो सरकार आरटीआई कानून को रोकने के लिए इस तरह की सोच बना रही है तो शायद इस खबर को दिखाने के लिए मीडिया हाउस में भी कोई प्रेशर होगा। हमें कोई प्रेशर नहीं था,